गाइस, क्यों हमें सेल्फ लव करना चाहिए, सेल्फ केयर करना चाहिए, खुद को अपलेवल करना चाहिए, खुद के वाइब्रेशन को रेज करना चाहिए, डिफरेंट टाइप के इन अवर प्रैक्टिसेस करनी चाहिए, इन सब चीज़ों के बारे में हमेशा अपने चैनल पर डिस्कस करते रहते हैं। गाइस, इसका एक ही रीज़न है, क्योंकि जैसी हमारी एनर्जी होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारी लाइफ में चीज़ों को, लोगों को, डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को मैनिफेस्ट करते हैं। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल हीलिंग प्रोसेस। मेरा नाम है सुमन और अपने इस चैनल पर इन अवर प्रैक्टिसेस से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड और एनर्जी से रिलेटेड कंटेंट शेयर करती हूँ। गाइस, आज का जो टॉपिक है वो है एक रिलेशनशिप, बहुत ही सेंसिटिव रिलेशनशिप है। एक है एम्पैथ और एक है नार्सिसिस्ट, और ये जो रिलेशनशिप है इसका क्या असर पड़ता है हमारी लाइफ में, कौन होता है एम्पैथ, कौन होता है नार्सिसिस्ट, और कैसे एक दूसरे को ये हमेशा फंसा के रखते हैं, एक दूसरे की लाइफ में हमेशा प्रॉब्लम क्रिएट करके रखते हैं, और हमें इनसे क्या लर्न करना चाहिए, क्या इनमें से कोई पर्सनैलिटी हम तो नहीं है। गाइज, इससे पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करूँगी। गाइज, जैसी हमारी एनर्जी होती है ना, उसी के अकॉर्डिंग हम हमारे लाइफ में चीज़ों को, लोगों को मैनिफेस्ट करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि उसके वाइब्रेशन मैच हम होते हैं। गाइज, अगर हम ये देखें, ये जो पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है ना, ये हमारे इनर वर्ल्ड का रिफ्लेक्शन होता है। जैसे आपके अंदर की एनर्जी चल रही होगी ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ में डिफरेंट टाइप की अपॉर्चुनिटी और लोगों से और चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं। तो कुछ चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। फर्स्ट, कि जो भी कुछ हो रहा है ना, वो आपके लिए हो रहा है, ना कि आपके साथ हो रहा है। सेकेंड चीज़, कि हर चीज़ का एक ब्रॉडर एस्पेक्ट देखना है, एक बर्ड आई व्यू से आपको देखना है, और चीज़ों को थोड़ा जोन आउट करके देखना है। अभी की जो सिचुएशन आपके साथ चल रही है, जस्ट उसको ना देखकर वो सिचुएशन आपको लंबे टाइम पर क्या इफेक्ट डालेगी आपके ऊपर, आपको क्या रिजल्ट देगी, आपको वो देखना है। एक बर्ड आई व्यू आपको हमेशा बनाए रखना है। थर्ड थिंग इज, कि ये दुनिया एक ग्रोथ स्कूल है, ये जो अर्थ है ये ग्रोथ स्कूल है। जैसे हम स्कूल में जाते हैं ना, अलग अलग क्लासेस में पढ़ाई करने के लिए स्टेप बाय स्टेप हम जाते हैं, वैसे ही एक ग्रोथ स्कूल है। यहाँ पर हम डिफरेंट टाइप के लेसन्स को लर्न करने आए हैं, और धीरे धीरे हमारी कॉन्शियसनेस को इवॉल्व करने के लिए आए हैं। एंड लास्टली, कि जो हमारे साथ हमारे पास्ट में हुआ ना, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे साथ हुआ उसको हम हील कर सकते हैं by taking personal responsibility। तो guys, ऐसे ही कुछ lessons हमको हमेशा learn करते रहना है। ये हमें दिखाई देंगे जब हम हमारे इस outer world को interpret करेंगे, खुद को introspect करेंगे। हमें सिर्फ हमारी energy को watch करना है, ना कि दूसरों को watch करना है। अगर हम सिर्फ खुद को watch करेंगे, सिर्फ खुद पर work करेंगे ना, ये external reality आपके ही अकॉर्डिंग बन जाएगी, और आप अपने ही अकॉर्डिंग जो आप चाहते हैं ना, आपकी जो डिजायर्ड आपको रियलिटी आप चाहते हैं ना, वैसे ही आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एम्पैथ और नार्सिसिस्ट का, जैसे मैंने आपको पहले बताया। अगर आप एक सेंसिटिव इंसान है ना, सेंसिटिव इंसान एम्पैथ होता है, और जो नार्सिसिस्ट होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कड़क इंसान होता है। एम्पैथ बेचारा बहुत सेंसिटिव होता है ना, बहुत आसानी से दूसरों के इमोशंस को अपना समझने लग जाता है, दूसरों की फीलिंग्स को अपना समझने लग जाता है, और उसे दूसरे कैसा फील करते हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। वो दूसरों के इमोशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद पे ही लेने लग जाता है। उसे ऐसा लगता है, यार उसको बुरा लग रहा है, इट मीन्स ये मेरे कारण ही हुआ होगा। अगर उसे अच्छा लग रहा है तो भी उसे ऐसा लगता है मेरे कारण हुआ, अगर उसे बुरा लग रहा हो ना स्पेशली, तो उन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद पर ले लेता है, क्योंकि वो दूसरों की एनर्जी में बहुत आसानी से एट्यून कर लेते हैं। गाइस, ये जो एम्पैथ्स होती है ना, इनकी एनर्जी होती है हमेशा UUU1। ये हमेशा दूसरों पर फोकस रखते हैं। इनका जो लोकस ऑफ कंट्रोल है ना, हमेशा बाहर होता है। ये बहुत आसानी से बाहर की चीज़ों से कंट्रोल हो जाते हैं। गाइज, ऐसा इसलिए होता है, स्पेशली जो सेंसिटिव पर्सन होते हैं ना, ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इनके साथ बचपन में ऐसी चीज़ें हो चुकी होती हैं, या तो कुछ ट्रॉमा ऐसा हो चुका है, हर्ट पेन ऐसा
वो फील कर चुके हैं जिसकी वजह से एक वुंड उनके अंदर बन गया है, या उन्होंने इस पैटर्न को बहुत ज़्यादा रिपीट किया है, वो है प्लीज करने वाले पैटर्न को। जब हम छोटे होते हैं ना तो हमें बचपन से ही आदत होती है हमारे पेरेंट्स को प्लीज करने की, क्योंकि हमें पता है जो चीज़ हमारे पेरेंट्स ने कही ना वो अगर हम कर देंगे ना तो वो हमसे बहुत खुश हो जाएंगे, अगर हम नहीं करेंगे तो हमसे नाराज़ हो जाएंगे, अब नाराज़ हो जाएंगे तो हमें जो चीज़ें वो चाहिए वो मिलेगी नहीं। तो हमें जो प्लीज़ करने की आदत है ना बचपन से ही पड़ जाती है, और हम है ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मेथड्स अपनाते हैं अपने पेरेंट्स को, लोगों को प्लीज़ करने के लिए, ताकि हम मन चाहिए चीज़ें उनसे ले सके, अपना काम उनसे करवा सके। ये जो प्लीजिंग वाली बचपन वाली आदत होती है ना, ये धीरे धीरे हैबिट बन जाती है और हम बड़े हो जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता हम अनकॉन्शियसली इन पैटर्न्स को रिपीट कर रहे होते हैं। इसी का फ़र्क हमारी रिलेशनशिप में भी पड़ता है, अगर हम बहुत ज़्यादा दूसरों को प्लीज़ करते हैं इट मीन्स कि हम हमारी पूरी एनर्जी उनको दे रहे हैं, इट मीन्स हम उनके ही फ्रेम में खुद को अट्यून करें, हमारा खुद का कोई फ्रेम नहीं है, हमारी खुद की कोई एनर्जी नहीं है, हम हमेशा दूसरों को देने में लगे रहते हैं हमारी एनर्जी, क्योंकि हमें पता है अगर हम उनको प्लीज़ करेंगे तो वो हमें एक सेंस ऑफ सेफ्टी प्रोवाइड करेंगे, या जो वो जो हमें फैसिलिटी चाहिए ना वो सारी फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड करेंगे। तो हमें हमेशा दूसरों को प्लीज़ करने की आदत बनी रहती है, इसलिए हम हमेशा दूसरों को प्लीज़ करने में लगे रहते हैं और हमारी कोई भी खुद की बाउंड्री नहीं होती, हम खुद को अबेंडेंट कर देते हैं, हमें लगता है हम प्रायोरिटी नहीं है, वो लोग प्रायोरिटी हैं क्योंकि वो लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे जो हमारे पास नहीं है। इसी के जस्ट ऑपोजिट होते हैं नार्सिसिस्ट, उनको कोई मतलब नहीं होता दुनिया से सामने वाला कैसा फील कर रहा है कैसा नहीं फील कर रहा है, बहुत आसानी से आपको मुंह पर वो नो कह देंगे, और जनरली वो लोग ऐसे कहते हैं कि हम हमारे मन में ना ऐसा कुछ भी नहीं रखते हैं और जो भी बातें होती हैं ना हम तो मुंह पे कह देते हैं। ऐसे लोग होते हैं ना इनकी बाउंड्री बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि सामने वाला उनकी बातों से कैसा फील करता है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपके इमोशंस से आपके किसी भी चीज़ से, उनको जो करना होता है ना उनको करना होता है, उनकी एनर्जी हमेशा मी 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 वाली एनर्जी होती है, वो सिर्फ खुद पर ध्यान देते हैं, उनका उनका जो फ्रेम होता है वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, ये पर्सन फिजिकली मेंटली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। ये लोग है ना बहुत मैनिपुलेटिव होते हैं, ये दूसरों को बहुत आसानी से मैनिपुलेट कर देते हैं इमोशनली स्पेशली, ये आपको फील करा देंगे कि आप बहुत बुरे इंसान हैं, और जिसके कारण से आपको ऐसा लगेगा यार ये इंसान जो कह रहा है ना वो सही कह रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ये जो डिसीजन ले लेता है उससे कभी भी चूकता नहीं है, उस चीज़ को कभी पलटता नहीं है। तो इस तरीके से वो आपके अपने बातों में मैनिपुलेट कर देते हैं और हमेशा आपकी एनर्जी को खुद तक ले आते हैं और खुद का काम बनवाने पर तुले रहते हैं, चाहे कुछ भी हो ये अपना काम करवा के रहते हैं, इसलिए एनर्जी इनकी इनटेक वाली हो जाती है, इनका सेंस ऑफ फ्रेम जो होता है इनकी जो बाउंड्री होती है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती है। ये लोग जो होते हैं ना ये कभी नहीं एडमिट करेंगे कि हम नार्सिसिस्ट हैं, एक्चुअली तो ये मानते ही नहीं है कि एक नार्सिसिस्ट हैं, इनको ऐसा लगता ही नहीं है कि ये कुछ गलत कर रहे हैं, इन्हें हमेशा यही लगता है जो हमने डिसाइड कर लिया वही सिर्फ ट्रूथ है और वही रियलिटी है, जो हम सोचते हैं वही हम करते हैं, और इस टाइप से वो चीज़ों को लोगों को मैनिपुलेट करते हैं सिर्फ खुद का फ़ायदा देखने के लिए, जबकि इम्पैक्ट्स खुद का फ़ायदा ना देखकर हमेशा दूसरों का फ़ायदा देखते हैं। तो गाइस इन इस टाइप की रिलेशनशिप से हमें कुछ लर्न करने को मिलता है, एक्चुअली हमें हर रिलेशनशिप से कुछ ना कुछ लर्न करने को मिलता है, तो इससे हम सीख सकते हैं कि अगर हम सेंसिटिव पर्सन है ना तो हमें एक नार्सिसिस्ट जैसा एक स्ट्रांग फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, एक बाउंड्री क्रिएट करनी पड़ेगी, जब भी हमें नो कहना होना हमें नो कहना चाहिए, हमें एक्चुअली हमें बार बार खुद से क्वेश्चन करना पड़ेगा कि हम हमारी लाइफ में चाहते क्या हैं, जो हम चाहते हैं ना उसके लिए हमें हम खुद को हमेशा यस कहना पड़ेगा। अगर मौका मिलता है या ऐसा कुछ होता है जब आपको ना कहना पड़ता है तो आपको ना कहना चाहिए, लेकिन जो इम्पैक्ट्स होते हैं ना यूजुअली दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं इसलिए वो ना कहते नहीं हैं, लेकिन खुद को इस प्रोसेस में अबेंडन कर देते हैं, जो कि बहुत ही गलत बात है। इसलिए जो अवेयरनेस हम दूसरों को देते हैं ना, जो थॉट्स हम दूसरों को देते हैं, जो इम्पोर्टेंस हम दूसरों को देते हैं ना, वो सभी हमें खुद को देनी है, सारी एनर्जी खुद पर लानी है,
इसे कहते हैं खुद का एक फ्रेम मेंटेन करना, खुद की एनर्जी मेंटेन करना, खुद की बाउंड्री मेंटेन करना। अगर हम ये कर पाए ना, तब हमारा ये जो फ्रेम है ना, तब ये स्ट्रांग बनेगा। गाइज, इसके लिए मैं एक छोटी सी प्रैक्टिस आपको जरूर बता सकती हूँ। गाइज, जब भी हमारी अवेयरनेस बाहर जाती है ना, दूसरों की तरफ जाती है, हमारे थॉट्स दूसरों की तरफ जाते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट में नहीं होते और हम चाहते हैं सारी एनर्जी वापस हमारे पास आ जाए, हम प्रेजेंट मोमेंट में आ जाए, हमारी एनर्जी स्ट्रांग हो जाए, हमारा फ्रेम स्ट्रांग हो जाए ना, तो हमें बार बार अपने इस बॉडी को याद दिलाना पड़ेगा कि इस बॉडी में हमको हमारी एनर्जी वापस लानी है। ये हम कर सकते हैं बाय टैपिंग, बार बार हमारी बॉडी को टैप करके, टच करके या फिर डीप ब्रीदिंग करके और प्रेजेंट मोमेंट में आके, कि हम जब इनटेक कर रहे हैं सांस, हमें कहना पड़ेगा यस आई एम प्रेजेंट। इस तरीके से खुद को याद दिलाना पड़ेगा, इस बॉडी को एक्चुअली याद दिलाना पड़ेगा कि ये एनर्जी जो बाहर जा रही है ना, एक्चुअली वो हमारी बॉडी में होनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम दिन में कई बार रिपीट कर सकते हैं। खुद को टैप कीजिए, खुद को टच कीजिए और इंटेंशनली याद दिलाइए कि यस आई एम प्रेजेंट। तो गाइज, आपको आज का ये जो रिलेशनशिप के बारे में वीडियो कैसा लगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत डीपर लेवल पर हम डिस्कस करेंगे और भी डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप्स, और स्पेशली ये जो रिलेशनशिप है ना, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इस रिलेशनशिप से गो थ्रू होते हैं, बहुत सारे लोग सफ़र करते हैं, तो इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। Thank you.